हाँ तो बच्चों हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड की। अपना पहला यूनिट था, ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड की, अपने इस यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। कहीं पर इंसान है, कहीं पर जानवर है, प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, हर तरीके से डिफरेंट डिफरेंट, या आप इसको दूसरे टर्म्स में ये कह सकते हैं कि देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ या अमेजिंग डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। कहने का मतलब यह है कि अपने इस यूनिवर्स में, अपने इस दुनिया में, अपने इस पृथ्वी पे कितने अमेजिंग डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट करती है। अगर मैं फ्लावर की बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर एग्जिस्ट करते हैं। प्लांट्स की बात करूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की प्लांट्स एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिस्ट करती है। ये सब हम लोग अपने को एक इस तरीके से अमेजिंग करता है, इस तरीके से एक अचंभावित करता है कि हम उसको मालूम नहीं कर सकते हैं कि कितने कितने डाइवर्सिटीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि तकरीबन 30 मिलियन स्पेशीज इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जब अपने पास इतना ह्यूज डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, वो भी किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अच्छा, जब हम इस इतने सारे की बात करते हैं तो इससे हमें दो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अच्छा, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, क्या वो खास बात है इस लिविंग में कि जो नॉन लिविंग से इसको डिफरेंशिएट करता है। कहने का मतलब कि व्हाट इज द थिंग दैट इज दैट लिविंग इज अपोज टू बी नॉन लिविंग, दैट लिविंग इज अपोज टू बी नॉन लिविंग। दूसरा, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मतलब कि इनकी जिंदगी का मकसद क्या है। तो अपने सिलेबस में सिर्फ ये वाला को एक्सप्लेन किया गया है, तो हम इसकी बात करेंगे खास तौर से। लेकिन एज ए साइंस टीचर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या होती है। ऐसा था ना कि हम इंसान अपने आप या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप पैदा होता है, ही और दैट ऑर्गेनिज्म इज बीइंग क्रिएटेड बाय सम क्रिएचर, बाय वन क्रिएचर, नॉट सम, बाय वन क्रिएचर। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, पर्पस ऑफ लाइफ क्या होते हैं, मकसद है। तो मतलब कि प्लांट है वो ना किसी न किसी की जरूरत पूरी करती है, वो किसी का जरूरत पूरा करता है। जैसे प्लांट्स एनिमल का फीडिंग में काम आता है, जैसे हम प्लांट्स को खाते हैं, हम एनिमल्स भी खाते हैं, तो ये सब ना कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनिज्म का नीड को पूरा करता है। अगर जैसे खास तौर से पर्पस ऑफ लाइफ है, इट इज मोर फिटेड टू ह्यूमंस सिंस दे आर सुपीरियर अमंग द ऑल स्पीसीज और ऑल ऑर्गेनिज्म, सो दे आर मोर फिटेड विद द पर्पस ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि इंसान दुनिया में आया और अपना मनमानी किया और चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो दुनिया में पैदा होता नहीं, किया जाता है, और उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, वो उसको निभाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता ही है कि इंसान, जैसे कि हम पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाता है, तो इस तरीके से उसके बहुत सारी मकसद होती है, ठीक है। हम अब बात करते हैं किसकी, लिविंग इज अपोज टू बी नॉन लिविंग। अच्छा, कहने का मतलब है कि ये नॉन लिविंग, ये लिविंग होता क्या है, ताकि हमें मालूम चल जाए कि इस लिविंग में क्या खास बात है जो अपने को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करता है। तो अपने पास इस लिविंग को डिफाइन करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे हमें मालूम चले कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होती है, ठीक है। वैसे अपने पास लिविंग को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन हम उनमें से मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जो कि मेन मेन से हैं। हंसना भी एक तरह का कैरेक्टर है, रोना भी एक तरह का कैरेक्टर है, पर हम उसको करेंगे जो कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता हो, जो कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन पाया जाता हो। अच्छा, अपने पास प्रॉपर्टी या फीचर्स जनरली दो तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो वो होगी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दूसरा ये होगी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स।
तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में अपने पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का 5 फैक्टर है, ठीक है। पहला ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, पांचवा क्या है, कंसियसनेस। तो हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने के लिए ये 5 पॉइंट अपने पास काफी है, जिनमें से ये दो पॉइंट डिफाइनिंग फीचर्स में ही आएगा, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में होगा, ठीक है। ये तीनों लिविंग को डिफाइन करेगा। अच्छा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करे, अप्लाई हो। वन सेकेंड, आई एम रिपीटिंग कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, चाहे इधर माइक्रोब्स हो, सिंगल्स यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, वायरस हो, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हो, या पैथोजेंस हो, ह्यूमंस हो, कोई भी हो, या प्लांट्स कुछ भी हो, अगर किसी के अंदर लाइफ है, अगर वो, इसका मतलब वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी, तो सबके सब के अंदर ये एग्जिस्ट करती होगी। अच्छा, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं। तो जिसके अंदर ये वाली ये प्रॉपर्टी पाई जाए, कौन सी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर्स या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बोलेंगे कि ये लिविंग है। जैसे, अच्छा वैसे हम इन पांचों को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं बात करूं ग्रोथ की, ग्रोथ अलग अलग तरीके से भी लिया जा सकता है। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में या एनिमल्स है, प्लांट्स है, इनमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, इनमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो इनकी ग्रोथ लिमिटेड हुई हुआ करती है, प्लांट में क्या होती है, ग्रोथ अनलिमिटेड हुआ करती है। जैसे अगर सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं, मान लो हवा चल रही है एक तरफ से और इस तरफ से हवा चल रही है और मैं यहां कोई आर लगा दिया, तो जो सैंड्स वगैरह होंगे यहाँ पे डिपोजिट होंगे, तो क्या मैं इसको ग्रोथ कह सकता हूँ, तो यहाँ पे भी तो इसका साइज बढ़ रहा है। अच्छा, ग्रोथ का मतलब सिंपली क्या होता है कि नंबर में इंक्रीज करना, मास में इंक्रीज करना, ये अपने को ग्रोथ कहलाता है। तो ये भी जो मास का यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, इसे भी तो हम बोल सकते ग्रोथ, क्या ये लिविंग है, नहीं। उसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अपना कोई एक ऑर्गेनिज्म अपना प्रोजेनी को बढ़ावा देता है, या ये बोलो अपना जनरेशन को कंटिन्यू करता है। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म ट्राई टू बी एग्जिस्ट और ट्राई टू कंटिन्यू देयर जनरेशन, ठीक है। उस तरीके से मेटाबॉलिज्म भी है। तो इन दोनों के, इसको हम वैसे सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे, तो हम ओवरव्यू देखते हैं। तो इन दोनों को हम डिफाइनिंग फीचर्स पर नहीं लेंगे, ध्यान रखना। नीट पे कभी सवाल पूछा जाए, कभी पूछा भी गया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग फीचर्स या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपके पास चार ऑप्शन दिया जाएगा, या हो सके 5-10 ऑप्शन देगा, लेकिन सब में दे, आपके पास मेनली ऑफिशियली 4 ही ऑप्शन होंगे, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपको 4 से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं। मान लो कि मैचिंग में दे दिया, या फिर कुछ कह दिया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इस तरीके से तो इसमें 4 कह दिया कि इसमें से फला फला ट्रू और फला फला फॉल्स है, तो हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें मालूम क्या होना चाहिए, एक मेटाबोलिज्म है, एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है कंसियसनेस। मेटाबोलिज्म क्या होती है, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूं, इन पांचों को मैं सेपरेटली डिफाइन करूंगा, ठीक है। जब उसको व्हेन द टाइम कम आई विल एक्सप्लेन ऑल द 5 टर्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, वो सारे के सारे रिएक्शन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ करती है। क्यों, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर कंटिन्यूअसली कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है और कोई ना कोई टूटता है। ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब एक तरफ प्रोडक्ट बनते हैं, दूसरी तरफ टूटते हैं,
जहां पर ये रुक गया, मतलब ऑर्गेनिज्म का वक्त पूरा हो गया और उसे इस दुनिया से जाना पड़ेगा, मतलब इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक है अपने पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे एनजीओ वगैरह है, ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक तरह का सेटअप, एक तरह का सिस्टम जहां पर किसी चीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रॉपरली। उसी तरीके से सेल का भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो काम करता है, जिसमें सेल काम करता है उसमें बहुत सारे रिलेशन होते हैं, मतलब कि प्रोटीन भी बनता है, प्रोटीन बनता है, उसके लिए उसके पास राइबोसोम है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, उसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एसईआर है, आरईआर है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडीज है, इस तरह के बहुत सारी चीज है। तो ये सब को एक प्रॉपरली मैनर पे अरेंज होगा तभी ये सेल काम कर पाएगा, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो पाएगी। तो उसके लिए इस मेटाबॉलिज्म होने के लिए सेल को एक प्रॉपरली अरेंज होना पड़ेगा, चाहे वो एक साल का हो या हजारों या करोड़ अरबों सेल का हो, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगी तो ये बताएगा कि लिविंग है। उस तरीके से ये भी होना जरूरी है। तो ये जो तीनों के तीनों फीचर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जिसको हम बोल रहे हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाई जाएगी, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं वन सेकेंड रिपीट करता हूँ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनिज्म एंड हैविंग नो एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ इनका एक्सेप्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन। जैसे म्यूल्स या हिरनी वगैरह होती है जो गधे की और घोड़े से बनता है, उसके अलग अलग मेल फीमेल अलग अलग होता है, उसका वेरिएशन की उसके मतलब अलग अलग पेरेंट्स लेने की वजह से वो अलग अलग नाम हो जाता है। फिर जैसे फीमेल वर्कर भी है, ह्यूमन इनफर्टाइल कपल है, तो इन सब में रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, तो क्या बोलेंगे क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, लेकिन लिविंग तो है, इसलिए बोलते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अच्छा, ग्रोथ क्या होती है, जे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं या एनिमल्स की बात करूं, उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होती, लिमिटेड कुछ एक एज तक ग्रोथ होती है, फिर वो ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, जरूरत पड़ने पर जो सेल लॉस्ट हुए हैं उसको रिप्लेस करता है, जरूरत पड़ने पर जो सेल लॉस्ट हुए हैं वो रिपेयर करता है। क्या कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही, नहीं हो रही, तो क्या मैं बोलता था कि जो एनिमल्स है वो अपने पास नॉन लिविंग है? नहीं। उस तरीके से एक कंसेंसस अपने पास है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होगी, वो सबके सब के अंदर पाई जाएगी, चाहे तुम छोटा सा एक सेल लो, एक मल्टी सेल लो, कुछ भी लो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ हो गए तो बोलेगा मेरे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। क्या बोलेगा? कि मेरे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, जैसे तुम इस बोर्ड से पूछोगे क्या तुम्हें, बोलेगा तो नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि मेरे अंदर रिएक्शन हो रहा है, लेकिन क्या तुम्हें इसके अंदर मान चल रहा है इसके अंदर हो रहा है रिएक्शन? नहीं। इसके अंदर एक कुत्ता भी कुछ तुम कर लो, इसके अंदर रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, उस तरीके से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जहां जहां पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर मेटाबॉलिज्म होगा। अब मेटाबॉलिज्म वही होगा जहां पर सेल का प्रॉपर एक सेटअप होगा और एक कंप्लीटली एटलीस्ट वन सेल या मल्टी सेलुलर होंगे, तो ये उसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हो पाएगा। एक है कॉन्शियसनेस, मतलब ऑर्गेनिज्म अपना हाय लगता है। जैसे ह्यूमन है, बारिश हो रही है तो वो चाहेगा कि अपना बचाव करे, धूप हो रही है, धूप से बच के छांव में जाए। उसी से प्लांट्स है तो प्लांट जा नहीं पाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ना, अच्छा जैसे प्लांट है उसका स्टोमेटा है, पोर्स है, पानी वहां से लॉस होगा, तो पानी के अगर स्ट्रेस है और कंटिन्यूसली पानी वो लूज करता रहे तो पानी और कमी हो जाए, फिर एट लास्ट प्लांट को मरना पड़ेगा, ड्रैप हो जाएगा, तो पहला सेल के अंदर पानी ही नहीं रहेगा, तो मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, जब मेटाबॉलिज्म होगा नहीं तो मर जाएगा। इसीलिए उसके अंदर एक इस तरीके का एक अरेंजमेंट सेट होता है, जिनकी वजह से क्या होता है कि इनके वाटर स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिनकी वजह से लीफ अगर पहले सख्त था अब वो सब सॉफ्ट और वेल्ड, मतलब मुरझा जाते हैं, जिनकी वजह से स्टोमेटा बंद हो जाती है, पानी का लॉस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सब कैसे इस तरीके से है, आप पढ़ने के बाद जो मैंने बताया एक बार नहीं, आप
अच्छा मैं मेरा कहने का मतलब बार बार ही मैं बताऊंगा कि आपको समझ में नहीं आया, एक बार देखिए, बार बार देखिए, और मेरे यहां पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी जरूर कंसिडर करेंगे। पहले एनसीईआरटी फिर कुछ, ठीक है? तो एनसीईआरटी आपके लिए मैंडेटरी है, आपको एनसीईआरटी खोलना जरूरी है, और कोई चीज ऐसा टर्म नहीं जो एनसीईआरटी में आपको समझ में नहीं आएगी, मैंने सारा सारा का सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर डालिएगा, और अपना चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके लिए हम नया से नया, अच्छा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको पहुंच जाए और आप उसको देख सकें, ठीक है? आज के लिए इतना रखते बच्चों, थैंक यू।